Question 28. A positively charged rod is held close to an insulated metal sphere. The sphere is earth as shown. आप पॉजिटिव चार्ज रॉड लाएंगे, नेगेटिव यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ हो जाएंगे, उसको अपने अर्थ कर दिया, पीछे नेगेटिव रह जाएंगे, रॉड हटा दोगे नेगेटिव फैल जाएंगे. सी है, ठीक है. 12th पे आते हैं. द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इट कैन बी यूज टू रिमूव डस्ट फ्रॉम द एयर. ठीक है भाई, यहाँ से जा रहे हैं पार्टिकल्स हैं, यहाँ अट्रैक्शन होगी, फिर शेक करके निकाल देंगे. नेगेटिव चार्ज मेटल वो है, ग्रिड है. क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस एट द नेगेटिव ग्रिड. अच्छा भाई, नेगेटिव डस्ट पार्टिकल गेन्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आपके पास कुछ सही और कोई बात ही नहीं हो सकती. डस्ट पार्टिकल गेन इलेक्ट्रॉन और उसको कलेक्ट करवा लेंगे, उसके बाद उसको शेक करके निकाल देंगे. 100 वॉट लैंप इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 आवर्स ईच डे फॉर 3 वीक्स. तो यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. 5 आवर्स है, ईच डे फॉर 3 वीक्स है, 100 वॉट है. ठीक है, यानी कि 1.1 किलोवाट है. इंटू आवर्स कितने, एक दिन में 5 हैं और दिन कितने हैं, 3. ये आपकी बेसिकली एनर्जी हो गई, ठीक है, किलोवाट आवर्स में. कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी $0.24. तो हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रन द लैम्प फॉर दिस टाइम. सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर दो आप. कॉस्ट आपकी 2.5 into 5 into 0.4. कहीं वीक्स को डेज में नहीं करना. 3 वीक्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक. ये 3 दिन में 21 होगा ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से. तो 7 से कर दो, कॉस्ट आपकी हो जाएगी 0.1 into 5 into 3 into 7 into 0.24. आंसर बताओ उसका. 2.52 है आपकी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी. ये आंसर है सही. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मिस कर दिया. फिर 3 वीक्स है, 3 डेज होंगे, ईच डे की कैलकुलेशन है, और ये वीक्स है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है. अगर ये ईयर दिया हुआ होता तो उसको आपको फिर कितना मल्टीप्लाई करते हैं. 31 का सी होगा. सॉरी, 31 का भी सी होगा ना. देख लेते हैं, पढ़ने दो. The information on the back of an electric room heater is shown here. Rating DV 220 to 440 है, 50 हर्ट्ज है, 4.2 एम्पीयर है. What is the suitable fuse rating for this room heater? का 4.2 एम्पीयर है, तो suitable fuse rating इससे ऊपर की होगी. इससे ऊपर का सबसे नियरेस्ट 5 एम्पीयर है, सही है. नीचे की ले नहीं सकते, बहुत ज्यादा ऊपर की भी नहीं ले सकते, थोड़ा सा आगे की ले सकते हैं जो राउंड ऑफ कर रही हो. तो 5 एम्पेयर आप ले लोगे अपना फ्यूज. ठीक है, आगे चलते हैं. द डायग्राम शोज हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर वायर कॉइल एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जी डब्ल्यू एक्स वाई एन जी. ठीक है, बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट देयर इज अ करंट इन द कॉइल इन द डायरेक्शन शोन. व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट इज करेक्ट है, द साइड डब्ल्यू एक्स एक्सपीरियंस इन अपवर्ड फोर्स. डब्ल्यू एक्स अपीयरेंस अपवर्ड फोर्स, यानी कि अच्छा तुम अगर लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, अगर करंट की डायरेक्शन देख रही हो तो यहाँ से यहाँ जा रही है, अपवर्ड. बिल्कुल है, सही. यानी कि पार्ट ए आपका जो करेक्ट आंसर है. बेटा मुझे एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना. सॉरी बेटा, थोड़ा डिस्टर्बेंस, ये घर पे रहने का नुकसान होता है थोड़ा सा. आगे चलते हैं. 33 है ना हमारा नेक्स्ट, 32 कर लिया ना. जी सर. अच्छा, तभी तुम्हें इतना जल्दी जल्दी आ रहा था. सर नहीं नहीं मुझे याद थोड़ी था. अच्छा अच्छा ठीक है. लेकिन देखो एक बात है कि कितना ये इजीली हो सकता है ये पेपर आपको जो है वो